दिल्ली के सर्वोदय एन्क्लेव की बेगमपुर मेन रोड के फुटपाथ को पेड़ लगाने के लिए खोदा जा रहा है। इस काम से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं और गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि पैदल यात्रियों का सुरक्षित चलने का रास्ता खत्म किया जा रहा है, ऐसे में सरकारी धन की बर्बादी भी हो रही है। स्थानीय निवासी महेश शर्मा ने बताया कि लोगों की काफी कोशिशों के बाद कॉलोनी की रोड के किनारे फुटपाथ बनवाया गया था। PWD ने इस कार्य में लाखों रुपए खर्च किए हैं, अब उन्हें पेड़ लगाने के लिए खोदा जा रहा है, जो गलत है। सर्वोदय एन्क्लेव RWA के सचिव योगेश ईश्वर मारवाह ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग ने यहां रहने वाले लोगों से कोई बातचीत नहीं की, अपने आप आए और अपना काम शुरू कर दिया, ना ही किसी को बताया और फुटपाथ पर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। क्षेत्र में काफी हरियाली पहले से ही है, अगर उसे और बढ़ाना है तो उसके लिए खुले स्थान में पेड़ लगाने चाहिए थे। क्रिकेट में पेड़ों का विकास नहीं होगा, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो फुटपाथ पैदल चलने के लिए था उसे इनके द्वारा बंद किया जा रहा है। हर रोज यहां पर स्कूल के लिए छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग गुजरते हैं, लेकिन अगर फुटपाथ पर ही पेड़ दिए जाएंगे तो फिर हम पैदल कहां पर चलेंगे। PWD के लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, वह आए और गड्ढा खोदा और पेड़ लगाकर यहां से चले गए, ना तो उन्होंने हमसे कोई बातचीत की, ना ही हमें बताया। पहले से ही यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, उनकी ही छटाई पहले से नहीं की जाती। अगर और अधिक पेड़ लगाए जाएंगे तो फिर हम लोग पैदल कहां चलेंगे। हमारे इलाके में हरियाली पहले से ही है, जहां पर नहीं है वहां पर इन्हें लगाने चाहिए। सर्वोदय एन्क्लेव में रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने बताया कि PWD ने इस कार्य में लाखों रुपए खर्च किए, फुटपाथ लोगों के चलने का रास्ता है। सीनियर सिटीजन भी काफी परेशान हो रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद विधायक और कई अधिकारियों की शिकायत करने के बाद हमने इस फुटपाथ को बनवाया था, लेकिन आज PWD विभाग के कुछ लोग यहां पर पेड़ लगाकर जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। फुटपाथ बन जाने से बुजुर्ग बच्चे और महिलाओं को सुरक्षित चलने का रास्ता मिल गया था। लोगों की अनेक भागदौड़ के बाद फुटपाथ बड़ी मुश्किल से बनवाया गया था, क्योंकि रोड पर ट्रैफिक रहता है। पेड़ लगाने को हम मना नहीं कर रहे, लेकिन फुटपाथ पर पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। इससे किसी व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है। दिल्ली से कैमरामैन अंकित गुप्ता के साथ सोनम मिश्रा की रिपोर्ट। एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है, मैं सर्वोदय के अंदर रेजिडेंट हूं। तो ये पेड़ इन्होंने रास्ते में लगा दिए, साइड में पूरी नाली है, नाली के ऊपर से हट सकते हैं, कोई भी हटा हुआ होगा आदमी कोई भी नाली के अंदर गिर सकता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पेड़ लगाने के लिए और वो सही जगह वहाँ लगा सकते हैं, तो ये आना से इनके ऊपर देखो ऑलरेडी पेड़ लगे हुए हैं, आप देख लीजिए ये कैसे ग्रो करेंगे। ऊपर बिजली की तार भी है, सब कुछ होने के बावजूद तेरे इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है। कौन लगा रहा है, पेड़ की तरफ लगाया जा रहा है? ये तो PWD वाले आए हैं, वो लगा रहे हैं। तो अब हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कोई वर्दी नहीं पहन रखी थी, कोई जैसे दिल्ली सरकार की वर्दी वर्दी कुछ नहीं थी, वो उसमें प्लेन क्लॉथ में थे, वो अपने आप को बता दे देंगे। और कोई पर्टिकुलर यहाँ के ऑर्डर नहीं थे, यहाँ पेड़ लगाए जाए। आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो यह है कि पैदल चलने वाली की जगह पे पेड़ नहीं होने चाहिए, कहीं दूसरी जगह पेड़ लग जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और नाली में कोई गिर सकता है, साथ में नाली है, या तो इनको शिफ्ट करते हैं उसके साथ साथ सड़क के, ये खाली जगह जो इसमें लग जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाखों रुपया लगा के ये पहले तैयार किया, अब इसको उखाड़ दिया, फिर इसमें आदमी नहीं चल सकते, क्या फायदा। ये देखिए टाइलिंग वर्क अभी पीछे किया था, सारा टाइलिंग वर्क ठीक। हाँ रोल मेरा नाम योगेश्वर मारवा है, मैं रेजिडेंस हूँ यहाँ का सर्वोदय एन्क्लेव का। ये रास्ता जो बनाया हुआ है पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए बनाया हुआ है, बच्चियाँ भी चलती हैं, स्कूल भी यहाँ पर है, जाती हैं स्कूल, आती जाती हैं, रास्ता इनका है चलने का। यहाँ इन्होंने पेड़ उगा दिए, साइड में नाली है, नाली का एक पत्थर भी निकल जाता है तो आदमी गिर सकता है। आदमी बच्चे आते हैं अपने अंधाधुन अपने मस्ती में चलते हैं यहाँ पर, ये तो है नहीं कि बच्चे कॉशियस होकर चलते हैं। इन्होंने बीच सेंटर में पेड़ लगाने शुरू कर दिए, देखिए आप एंड तक पेड़ लगा दिए, रास्ता जो है पूरा ब्लॉक हो गया इनका। कौन लगा रहा है पेड़? ये लगा रहे हैं ये PWD वाले हैं, वो लगा रहे हैं पेड़, हमें जो सुनने में आया। मगर ड्रेस वगैरह नहीं पहनी हुई, कि सरकारी आदमी कहें कि सरकारी आदमी है, प्राइवेट के हमें पता नहीं कौन है कौन नहीं है बेसिकली। पर जो उन्होंने बोला थे वो सारे अच्छा, वैसे अगर पेड़ लगाएंगे तो आपकी क्या समस्या होगी? ये चलने के लिए लाखों रुपया खर्चा हुआ है, इसमें कोई एक्सीडेंट हो सकता है, नाली में कोई गिर सकता है, नाली में गिर सकता है। पेड़ लगाने से क्या है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है चलने फिरने में। बच्चियां स्कूल की बच्चियां, छोटे बच्चे जो हैं नर्सरी के दूसरी के तीसरी जमात के चलते हैं, इन्हीं पे चलते हैं ठीक। और आप बोलो। मेरा नाम महेश शर्मा, यहाँ का रेजिडेंस हूँ मैं। ये बड़ी जिद्दोजहद करके तो MP MLA के पास जाके तो फुटपाथ बनवाया, और इन्होंने ये 10-10 फुट की दूरी पर ये खुद दिए, और ये कोई प्रॉपर पेड़ भी नहीं है, कहाँ से डालियाँ ठेकेदार तोड़ के लिया, यूँ ही गाड़ रखी है। इसमें ये बच्चे बुजुर्ग लोग कहाँ चढ़ कहाँ पर चलेंगे,
अब जब उनसे पूछा तो वो PWD का यही कह रहा कि सड़क पे चलेगा, सड़क पे मरेंगे चल के क्या? तो इसको ये होना चाहिए, फुटपाथ खाली होना चाहिए जिससे हम लोग सब सही तरीके से चल सके। ये कोई चुप बैठ रही है क्या? फुटपाथ पे पेड़ ने यही जगह मिली है क्या? बुटेरी जा मतलब ओपन स्पेस पड़ा, कॉलोनी में पेड़ों की जगह कम है क्या? देखो कितने पेड़ है, इनका तो कोई रख रखाव होता नहीं, पेड़ लगा खाली जगह पे नहीं।